तो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाला है, तो प्लीज यार इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 3 से 4 मिनट का आपका टाइम लूंगा और वो आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आजकल लोगों के साथ कैसे स्कैम हो रहा है और कई लोग तो इसके अंदर फंस भी रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो 60% यानी 60% प्लस बंदे इस फ्रॉड के चक्कर में आ भी जाते हैं। तो आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन वीडियो को एंड तक देख के जरूर जाना क्योंकि आप अपने साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होने से बच सकते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी तो जाके किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी एप्लीकेशन पे ये तो देखा होगा कि पार्ट टाइम जॉब, डाटा एंट्री, या फिर आपने इस चीज के बारे में ट्राई भी किया होगा कि यार मैं पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसा कमा लो अपने मोबाइल से, या डाटा एंट्री का काम कर लो अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, या किसी भी एप्लीकेशन में जाके कैप्चर्स फिलअप करते हो, या यूट्यूब पे भी आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हो जिनके अंदर बताता है कि अगर आप कैप्चर्स फिलअप करते हो तो आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। अगर वो किसी एप्लीकेशन के अंदर बता रहे हैं जहाँ पे कॉइन्स टू अर्न मनी होते हैं तो आप वहां पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई में क्या होता है, जैसे कि मान के चलो आप किसी भी वेबसाइट पे चले गए, वेबसाइट पे जाने के बाद आपने वहां पे अपना फॉर्म वगैरह कर दिया, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया, उसके बाद आपने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया, फिर आपके पास मैसेज आता है कि आप डाटा एंट्री का काम करो या फिर कैप्चर्स का काम करो। तो चलिए मैं आपको इस चीज के बारे में डिटेल में समझाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज से 15 दिन पहले की बात है, मेरे साथ एक स्कैम हुआ था। मैंने कुछ नहीं, मैं बस गूगल पे विजिट कर रहा था। विजिट करते करते मैंने वहां पे एक वेबसाइट के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर वगैरह वहां पे एंटर कर दिया। व्हाट्सअप नंबर एंटर करने के बाद 24 घंटे बाद मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद मेरे को बोलता है कि सर आपको डाटा कैप्चर्स का काम है, अगर आप करोगे तो आपको एक कैप्चर्स के ₹3 मिलेंगे, तो आपको टोटल 5,000 कैप्चर्स दिए जाएंगे, जिनको अगर आप कर देते हो तो आपको जो ₹15,000 मिलेंगे। और ₹15,000 और ये जो काम था मेरा वो था 5 दिन का काम था। 5 दिन के अंदर उन्होंने टारगेट दिया था। तो मैंने अपने फ्रेंड्स से बात की तो उन्होंने बोला कि कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने उनसे काम ले लिया, लेकिन उन्होंने मेरे को पहले कंडीशन दी थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि जो ₹5,000 होंगे, यानी जो ₹15,000 आपको सैलरी मिलेगी उसमें से ₹5,900 आपको फीस का चार्ज कट जाएगा, लेकिन वो आपकी फर्स्ट सैलरी में से कटेगा। तो मैंने सोचा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उसको एग्री कर दिया। एग्री करने के बाद मेरे को बाद में जाके पता चला कि ये एक फ्रॉड है। फ्रॉड कैसे, क्योंकि उन्होंने 5,000 कैप्चर्स दिए थे, टाइम दिया था हमको 5 दिन का। जब हमने कैप्चर्स को देखा तो हमको वहां पे लगा कि यार एक कैप्चर्स के अंदर कम से कम 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लग रहा है, और एक किसी भी कैप्चर्स को समझने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और उन्होंने बोला था कि 4,500 तो सही होने ही चाहिए। तो ये चीज किसी भी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है कि भाई वो पूरे के पूरे 4,500 सही हो सके। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, उस काम को बंद कर दिया। बंद करने के बाद होता क्या है, 5 दिन का जैसे टाइम कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारे पास मेल करते हैं। आप यहाँ पे साइड में पहले की मेल देख सकते हो कि यहाँ पे वो मेल करते हैं कि आप डाटा कैप्चर्स के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करो। तो रजिस्ट्रेशन वो कैसे करवाते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वो आपसे आपका पूरा प्रूफ लेंगे, आपका आधार कार्ड लेंगे, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लेंगे, यहाँ तक कि आपका सिग्नेचर भी जो स्कैन वर्क करवाएंगे। तो आपको अपना किसी भी डॉक्यूमेंट से शेयर नहीं करना, अगर आपको इस फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़ना तो आपको अपना किसी कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना, और सिग्नेचर तो आपको किसी भी कंडीशन में नहीं करना। अगर आप ये सब शेयर करते हो तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो उसके बाद हमसे काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद उनका मेरे पास कॉल आता है, उन्होंने बोला कि आपने हमारा काम कंप्लीट नहीं किया, इसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है, तो इसका आपको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन कौन सा भरना पड़ेगा, उन्होंने मेरे को पहले बोला था कि ₹5,900 आपकी फीस में से कटेंगे, यानी सैलरी में से कटेंगे, तो वो ₹5,900 अब मेरे को उनको देने पड़ेंगे। फिर मैं थोड़ा डर गया। डरने के बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह सर्च किए, तो वहां पे मेरे को मैंने देखा कि वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को उनको पैसे देने थे या नहीं देने थे, क्योंकि वो एक फ्रॉड था। क्योंकि कई बार होता है कि अगर हमको काम मिल जाता है तो वो खुद से क्या करते हैं, खुद से वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम कर देते हैं, वेबसाइट लैग करने लग जाती है, वेबसाइट वर्क नहीं करती, या फिर हमसे काम कंप्लीट नहीं हो पाता, तो वो आपको इन चीजों के अंदर फंसाते हैं जिससे आप काम कंप्लीट नहीं कर पाते। फिर वो आपको कोर्ट केस की भी धमकी देंगे कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे। जो आप मेल दोगे वो मेल के अंदर आपको मेल भी करेंगे, जैसे कि आप यहाँ साइड में देख सकते हो, उन्होंने मेल भेजी थी कि आपके अंडर ये वाला केस हो गया, कोर्ट वगैरह, वकील वगैरह ये सबके यहाँ पे नंबर दिए होंगे। तो आपको किसी भी कंडीशन में घबराना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ ज्यादा हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन होगी, तो आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना है। धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट आपको पैसे वगैरह उनको नहीं देने। अगर आप पैसे वगैरह देते हो तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि पैसे बिल्कुल भी नहीं देना, ऐसा फ्रॉड हो सकता है। और अगर आप
ऐसे किसी चक्कर में पड़ रहे हो कि डाटा एंट्री करके या फिर कैप्चर्स फिलअप करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस फ्रॉड में फंसते हो तो ये आपका सेल्फ रहेगा, क्योंकि मेरा काम तो बताना, मैंने बता दिया। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। और भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मैं डिटेल में आपको वीडियो बना के दूंगा 10 से 15 मिनट की, उसके अंदर आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। और नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज यार कमेंट में यस जरूर लिख देना। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।